Good morning, dear student. So today we are going to just continuing our story, the Bob and the bathtub. Okay? Bob और उसका bathtub. Bob को अपनी सारी चीज़ें प्यारी थी, मगर सबसे ज़्यादा Bob अगर कोई चीज़ पसंद करता था तो उसे उसका bathtub बहुत ज़्यादा पसंद था. जब भी उसे मौका मिलता था वो बाथरूम में चला जाता था और bathtub में बिल्कुल बैठा रहता था, वहीं खेलता रहता था. ओके okay? तो वो छोटा था, बॉब ओनली 3 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड था, 3 साल का बच्चा था, जिसे बाथ टब में ही खेलना, अपने खिलौनों को ले जाके उसी में खेलना पूरे टाइम पसंद था. और नहाने के बाद भी वो अपने कपड़े पहनकर भी खेलने जाता था और भींग जाता था. मतलब एक बार तो क्या हुआ कि उनकी सिस्टर है, अब आगे चल के पता चलेगा कि वो कौन है, मतलब वो बाथ टब में बाथ लेने के लिए जा रही थी और बाथ टब में वो पानी भर कर आई थी, बबल्स डाल कर आई थी, और अचानक से टेलीफोन रिंग बजी और वो टेलीफोन उठाने के लिए गई. तब तक उन्होंने मतलब वो बाथरूम का डोर बंद करके गई थी जिससे बॉब जो है वो बाथरूम में एंटर ना करे, बट फिर भी वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर जो बॉब था वो मतलब बाथ टब में अपने डॉग मैक के साथ खेल रहा था. जब बॉब की वो जो सिस्टर थी उन्होंने देखा बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ तो वो एकदम शॉक्ड रह गई कि दरवाज़ा किसने खोला, मैं तो बंद करके गई थी. और उन्होंने देखा कि जब वो बाथरूम के अंदर एंटर करती तो उन्होंने देखा कि बॉब जो था वो अपने डॉग मैक के साथ उस बाथ टब में नहा रहा था, इंजॉय कर रहा था. ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Yesterday Bob gave me a big shock. बताती हैं कि कल मुझे बॉब ने एक बहुत बड़ा शॉक दिया. I filled the tub with water and bubble bath. मैंने अपने उसी बाथ टब को मैंने उसमें पानी भरा था, उसमें बबल्स डाले थे. बिफोर आई गॉट इन टू द टब मैं बाथ टब में जाती कि उसके पहले टेलीफोन की घंटी बजी. आई शट द बाथरूम डोर मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया. एंड वेंट टू पिक अप द फोन और मैं फ़ोन उठाने के लिए चली गई. एक मिनट बाद जब मैं आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि बाथरूम का डोर खुला हुआ है. द बाथरूम डोर वॉज ओपन. बॉब वॉज इन द टब विथ ऑल हिज क्लोथ्स ऑन. बॉब जो था वो अपने कपड़ों के साथ बाथ टब में नहा रहा था और उसके साथ बबल्स, उसके आसपास बबल्स थे पूरी तरह. एंड ही वॉज नॉट अलोन, वो अकेला नहीं था, वो अपने डॉग मैक को भी लेकर उसमें गया था, उसके साथ खेल रहा था. देखिए आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा बॉब और उसका मैक. बॉब व्हाट आर यू डूइंग आई क्राइड, मैंने चिल्ला के बोला बॉब तुम क्या कर रहे हो. आई एम गिविंग मैक अ बाथ. तो कहता है बॉब मैं तो मैक को नहला रहा हूँ, अब मैं नहा चुका हूँ तो मैक को भी तो नहला लूँ. तो इस तरीके से हंसते हुए कहता है. पेज नंबर 61 में देखिए. आई यैंक्ड बॉब एंड मैक आउट ऑफ द टब एंड कॉल्ड माई मदर. मैंने बॉब पे बहुत ज़ोर से चिल्लाया और मैं उनको बाथरूम से बाहर लेके आई, मैंने माँ को बुलाया. अब शायद ये बॉब की सिस्टर है ना, क्योंकि वो माँ को बुला रही है, तो मम्मी तो है नहीं, पापा भी नहीं है ये, तो देखिए कौन है. मदर ड्राइड देम ऑफ, मदर उन्हें बाहर निकाल के लाई, उनको सुखाती हैं, वो पूरे गीले हो चुके हैं बॉब और मैक. देन शी आस्क्ड बॉब, फिर उसने बॉब से पूछा हाउ डिड यू गेट इन टू द बाथरूम. फिर माँ ने पूछा कि तुम बाथरूम के अंदर कैसे गए, बाथरूम का डोर तो बंद था. बॉब रीच्ड अप ऑन हिज टोज एंड टर्न द डोर नॉब. बॉब ने बोला मैंने अपनी उंगलियों से अपने पैरों को ऊपर किया, पैर की उंगलियों से मैंने ऐसे ऊपर किया अपने आप को, मैंने दरवाज़ा खोला. आई एम अ बिग बॉय, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ. ही सेड विद अ हैप्पी स्माइल, वो खुश होकर एकदम हंसते हुए कहता है मम्मा अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं बाथरूम का डोर खोल सकता हूँ. लास्ट नाइट डैड लॉक द बाथरूम डोर. लास्ट नाइट डैड ने बाथरूम का डोर लॉक किया था. ही पुट द की वेयर बॉब कांट रीच इट, क्योंकि बॉब के जो फादर थे उन्होंने चाबी थोड़ी ऊपर रख दी थी. ओके तो ये था बॉब और बॉब की स्टोरी बाथटब की. ये आपको दिख रहा है कि सबसे पहले आपको ये पिक्चर को सेट करना है सही ऑर्डर में कि सबसे पहले क्या हुआ है ना, इस तरीके से फर्स्ट नंबर पे क्या हुआ, सेकंड नंबर पे क्या हुआ, इस तरीके से ये आपको बताना है कि कब क्या हुआ. ठीक है ये आप कर लेंगे, स्टोरी आपको अच्छे से पढ़ा दी है. देखिए यहाँ पे पेज नंबर 62 में फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट आंसर है. सॉरी व्हाट डज बॉब लाइक बेस्ट, बॉब को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, द पेट डॉग, द बाथटब या द डोर नॉब. तो द बाथटब बॉब को सबसे ज़्यादा फेवरेट थिंग क्या थी, द बाथटब. हु गिव्स बॉब अ बाथ एवरी मॉर्निंग, हर सुबह बॉब को कौन नहलाता था, मॉम डैड या मैक. फादर तो बिल्कुल नहीं, मैक तो डॉग था वो कैसे नहलाएगा, तो मॉम. हर सुबह बॉब को कौन नहलाता था, बाथ कौन देता था, मॉम. हु फिल्ड द टब विथ वाटर एंड बबल बाथ, कौन
बाथटब में पानी भरकर और बबल डाल कर गया। बॉब मॉम या सिस्टर? तो बॉब तो बिल्कुल नहीं, मॉम भी नहीं, सिस्टर, क्योंकि बाद में उन्होंने माँ को बुलाया था ना, तो सिस्टर। इस यू हैव टू टेक सिस्टर वन। हु पुल्ड बॉब एंड मैक आउट ऑफ द टब? किसने बॉब और मैक को टब से बाहर निकाला? सिस्टर, मॉम या डैड? तो सिस्टर ने बाहर निकाला। ओके, फिर राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के आपको अपोजिट करने हैं। फुल मीन्स भरा हुआ, एम्प्टी मीन्स खाली, EMPTY। ओके, सेकेंड वन है हियर। हियर का अपोजिट क्या है? देयर। ओके, ओपन का अपोजिट क्या है? शट। ओपन मीन्स होता है खुला और शट मीन्स क्या होता है? बंद। फोर्थ है अंडर। अंडर मीन्स नीचे, तो अंडर का अपोजिट क्या होगा? ओवर। फिफ्थ वन है वेट। वेट मीन्स क्या होता है? गीला। WET, वेट मीन्स होता है गीला, तो वेट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? द अपोजिट वर्ड ऑफ वेट विल बी ड्राई। वेट का अपोजिट वर्ड क्या लिखेंगे आप? ड्राई। फुल का अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर आपका है 62। तो पहला है फुल। फुल का अपोजिट वर्ड क्या लिखेंगे आप? EMPTY, एम्प्टी मीन्स खाली। सेकंड है आपका हियर। हियर मीन्स यहाँ, तो हियर का अपोजिट देयर। देयर मीन्स वहाँ। थर्ड है, थर्ड वन है ओपन। ओपन मीन्स होता है शट। ओपन मीन्स खोलना, शट मीन्स होता है बंद करना। फोर्थ वन है अंडर। अंडर मीन्स किसी चीज़ के नीचे, और ओवर मीन्स किसी चीज़ के ऊपर। ओके, फिफ्थ वन है वेट। वेट मीन्स होता है गीला, तो वेट का अपोजिट होगा ड्राई। ड्राई मीन्स सूखा। सिक्स्थ वन है टेक। टेक मीन्स लेना, और टेक का अपोजिट वर्ड क्या होता है? गिव। गिव मीन्स देना। ओके, नाउ सेवेंथ वन इज पुश। पुश मीन्स किसी को धक्का देना, तो पुश का अपोजिट होता है पुल। पुल मीन्स खींचना, धक्का देना का अपोजिट खींचना। THROW, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, और CATCH, कैच मीन्स होता है पकड़ना। सो वी हैव कम्प्लीटेड आर अपोजिट वर्ड ऑफ पेज नंबर 62। तो ये आप लोग भी कम्प्लीट कर लीजिएगा। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, फॉर टुडे थैंक यू सो मच।